आज हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं हमारे शाला विकास समिति के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिक्षाविद भोजराम गुरुजी और साथ में आप विजय होगा सर, आप सभी का और हमारे हेडमास्टर साहब, हमारे खिलावन सर, हमारे स्कूल के सभी बच्चे, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत एक छोटा सा हम लोग विज्ञान का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में आजकल सभी के घर में पीने के लिए, पानी के लिए नल लग चुका है और यहाँ बोर से टंकी के माध्यम से पानी पहुँचता है। ऐसा ही शहरों में भी होता है, शहरों में भी हर घर में पानी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन शहर का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ पर बोर से ही पानी नहीं पहुँचा सकते, बोर के पानी को ही नहीं पहुँचा सकते। और शहरों में पेड़ पौधों की भी कमी होती है, वहाँ पर पानी के स्रोत की भी कमी होती है, जैसे तालाब है, नदी है, नहर है, झील है, ये भी कम होता है, तो वहाँ पर बहुत ऊपर में पानी नहीं निकल पाता है, मैंने वहाँ पर जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, तो वहाँ पर बोर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो वहाँ पर लोगों को पीने के पानी देने के लिए नदी से, झील से, बांध से, आदि जगहों से पानी पहुँचाया जाता है। तो चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे दुनिया में जितना भी पानी है उसमें का सिर्फ 1% ही पानी पीने के योग्य है। हम लोग पीने के पानी के लिए हम लोग नदी को भी गिनते हैं, नहर को भी गिनते हैं, झील को भी गिनते हैं, तालाब को भी गिनते हैं, लेकिन हम लोग इनका पानी सीधा नहीं पी सकते। तो उस पानी को घर में नल के माध्यम से पहुँचाने से पहले फिल्टर किया जाता है, और चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो फिल्टर करने का जो होता है चैम्बर होता है, बहुत बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, जिसमें से पानी जब होकर गुजरता है तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे तली में बैठ जाती हैं और पानी साफ़ हो जाता है। तो कैसे साफ होता है उसी को बताने के लिए हम लोगों ने छोटा सा प्रयोग किया है। इसके लिए हम लोगों ने कबाड़ जुगाड़ के माध्यम से एक बाटल लिया है। इस बाटल को हम लोगों ने ऊपरी भाग को इसको काट लिया है और काट कर सबसे पहले नीचे में मेरे पास यहाँ भी फिल्टर पेपर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर रुई लगाया है ताकि जो भी हम इसमें ऊपर में सामान रखें वो ना गिरे। तो सबसे पहले रुई है, रुई के ऊपर में दिख रहा है आप लोगों को चूना, ये जो पान में लगाते हैं वही वाला सामान चूना है, उसके ऊपर में लगा है चारकोल। चारकोल माने लकड़ी का लकड़ी जब जलता है तो जो कोयला बनता है वो वाला चारकोल। उसके ऊपर में है नदी का रेत, नदी का रेत बारीक होता है। उसके ऊपर में है नाला का रेत जो थोड़ा सा मोटा होता है। रेत के ऊपर में है बजरी गिट्टी और बजरी गिट्टी के ऊपर में है बड़ा वाला मोटा वाला गिट्टी। तो इसमें चारकोल, चूना, जो रेत है, ये सभी पानी को फिल्टर करने में सहायता करते हैं। आप लोगों ने नदी में भी देखा होगा, हमारे गांव में नदी है, वहां कई बार आप लोग जब जाते हो तो वहां पर गड्ढा खोदते हो, तो गड्ढा में शुरू में पानी जब आता है तो पानी अशुद्ध होता है, उसमें मटमैला पानी होता है वो। उसके बाद में जब आधा घंटा बाद जब वहां जाते हो तो पानी साफ हो जा रहता है। तो पानी कैसे साफ होता है, रेत से ही छान कर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर छानने के लिए बहुत सारा चीज़ लिया है और हमारे स्कूल के ही गड्ढे का यह गंदा पानी है, कोई भी बच्चे आकर इसको देख सकते हैं कि ये पानी साफ है या गंदा है। हम लोग इसको भी साफ करके दिखाएंगे। ये गड्ढे का बहुत गंदा सा पानी है, इसको अब हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर डालेंगे, एक साथ बहुत तेज नहीं डालना है, बहुत तेज़ी से डालेंगे तो पानी साफ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा 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 करके हम लोग इसमें पानी डालते जाएंगे। जैसे उसको फिल्टर होने के लिए भी समय मिल जाए। अब इसमें से पानी धीरे धीरे नीचे टपक रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये पानी जो है इसके तुलना में कुछ ज़्यादा ही साफ है। ये वाला पानी जो है इतना गंदा है, उसके तुलना में इसका पानी नीचे जो टपक टपक कर गिर रहा है फिल्टर होकर, वो पानी साफ सुथरा है। तो ये हम लोगों ने छोटा सा प्रयोग से दिखाया है कि पानी इस तरह से साफ होता है। इससे भी ज़्यादा अच्छा जो नहर में आता है या नदी से जो आता है शहरों में, वहाँ साफ होता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक लेयर जो है उसका एक एक चैम्बर बना हुआ है। तो वहाँ पर चूने की मात्रा भी ज़्यादा होती है, चारकोल की मात्रा भी ज़्यादा होती है, रेत की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा अच्छे से साफ हो सकता है। और हमारे पास यहाँ पर हम लोग छोटे स्तर पर बना रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे पानी इसमें हम लोग कम मात्रा में पानी साफ होता हुआ देखेंगे। इसमें से देखकर बताओ महेंद्र, कौन सा पानी ज़्यादा साफ है? सुभेन, इसमें का?
गंदा। लड़कियां कौन सा पानी साफ है? ये वाला पानी साफ है और ये गंदा है।